तो फ्रेंड्स आएगा और नई वीडियो के साथ में एक और न्यू वीडियो लेकर, क्योंकि हमारे हाथ में आप टीढ़ी है 20-30 आईसी, अगर आप देख पा रहे हो गए, देखिए हमारे हाथ में टीढ़ी 20-30 आईसी है। तो आज हम इसी को टेस्ट करने वाले हैं कि आपको कैसे पता लगेगा टाइम जो कि हमारी आईसी खराब है या सही है। तो आज हम जो कि मल्टीमीटर से यही चेक करके आपको बताने वाले, आपको दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको हम दिखाने वाले कि इसी टीढ़ी 20-30 आईसी को जो कि कैसे जो है पता चलेगा कि सही है या खराब है। तो चलिए इन दो आईसी करते हैं साइड में और इस आईसी को हम लेते हैं अपने हाथ में। वैसे ये आईसी सही है तो मल्टीमीटर को हम रखेंगे अपनी कंटिन्यूटी मोड पे। तो रखिए मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पर रख लिया है, देखिए बीप आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव प्रूफ को रखेंगे हम ग्राउंड पे और फर्स्ट पिन को रखेंगे हम पहले। तो देखिए 700 रीडिंग आती है लेकिन 650 समथिंग आ रही है जो कि सही है बिल्कुल एकदम। आईसी देखिए ये भी बिल्कुल सही आईसी है, इसकी रीडिंग 700 समथिंग है, सही है। और इस पर हमारा बीप आना चाहिए और इस पर कुछ हमारे वो अलग आएगी जो 500 समथिंग आती है, तो ठीक है हमारी ये फिर सही है रीडिंग। इस पर हमारी सेम सही है, यानी कि हमारी रीडिंग सही दिखा रहा है मल्टी। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ये मल्टीमीटर, येलो वाला जो देख पा रहे हो इस मल्टीमीटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारी जो है एक आईसी एकदम बिल्कुल सही है। ऐसी एक नहीं, हम दूसरी आईसी भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देखिए सेम वही प्रोसेस हम करेंगे दोबारा भी। देखिए रेड प्रोब को रखा हमने ग्राउंड में, ग्राउंड को पता कैसे लगेगा जो बीच वाली पिन होती है, देखिए हमारा यहाँ पे बीप आ रहा है। फर्स्ट पिन पे रखेंगे सेम वैल्यू, सेकंड पिन पे सेम वैल्यू, बीप आना चाहिए जो कि चौथी पिन पे हमारी, सॉरी सेम वैल्यू, सॉरी, और इस पे भी सही है एकदम। इसका मतलब हमारी एकदम आईसी एकदम राइट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ऐसी बेस्ट क्वालिटी का आईसी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप जो कि कैटलॉग का मैंने लिंक दे रखा है तो वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की है। और जैसे ही हम आपको बेस्ट क्वालिटी दिखाते हैं वही हम बेस्ट क्वालिटी देते हैं, ऐसा नहीं। हमारा न्यू और का रिप्लेस हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। और एक और आता है जो थर्ड क्वालिटी आता है, उसमें आपको जो कि बता दिया जाएगा इसमें आपकी ख़राबी हो सकती है और इसमें सही भी हो सकती है। रिप्लेस में एकदम ओल्ड होती है लेकिन जेन्युइन होती है, आपको चेक करके दी जाएगी जो कि एकदम ऐसी प्रॉपर सही दिया जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं तो आप जानती है एकदम बिल्कुल जेन्युइन दिया जाएगा आपको। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.